आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की तो हम इस डायग्राम में दो तरह के मुख्तलिफ सेल्स देख रहे हैं तो ये वाले जो ये वाला जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये वाला जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं तो हम वन बाय वन करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस पढ़ेंगे भी और इस डायग्राम की मदद से समझेंगे भी तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं तो अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि के प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जाहिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया किसकी एग्ज़ाम्पल है प्रोकैरियोटिक कैरियाटिक ऑर्गेनिजम की और एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह किसकी एग्जाम्पल्स हैं यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की यानी इनकी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं तो प्रो कैरियोटिक की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया है और यू कैरियोटिक की एनिमल्स और प्लांट्स हैं अब हम स्ट्रक्चर के लिहाज से और साइज़ वगैरह के लिहाज से डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस क्या है सेल का कंट्रोल सेंटर तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की कि के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मौजूद होता है कि नहीं होता तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है यानी मौजूद नहीं होता तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और जो इनका विरासती मादा होता है डीएनए वगैरह तो वो न्यूक्लियस के बगैर सेल के अंदर मौजूद होता है जबकि इसके बरअक्स अगर हम यू में देखें तो हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नजर आता है तो यू सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की कि वो प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं तो राइबोसोम्स प्रो सेल्स में छोटे होते हैं साइज में और यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े होते हैं तो राइबोसोम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है ये हमें डॉट डॉट छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं तो ये क्या होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं तो राइबोसोम्स का काम क्या है राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज छोटा हो जबकि यू सेल्स में राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है वो है सेल वॉल तो अगर हम बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल क्या है एक लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है तो वो कौन सी होती है वो होती है सेल वॉल की तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मौजूद होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है तो ये मौजूद तो होती है यानी ये प्रो सेल्स में और यू सेल्स में मौजूद तो होती है एनिमल का सेल दिखाया गया है तो एनिमल के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती लेकिन जो प्लांट्स वगैरह के जो सेल होते हैं और जो फंजाई के सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद होती है तो हम अगर प्रो सेल्स की बात करें तो प्रो सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं यानी अमाइनो एसिड से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है जिसको म्यूरिन भी कहते हैं जबकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलर से मिलकर बनी होती है और जो फन जाए हैं उनकी जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी है होती है तो प्लांट्स और फन जाए जो हैं वो क्या हैं उनके अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं यू सेल्स तो इस तरह से प्रो और यू सेल्स की सेल वॉल में भी डिफरेंस पाया जाता है और जो प्रो कैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है यानी उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होती है पेचीदा होती है जबकि जो यू कैरियोटिक सेल्स हैं जैसे कि प्लांट सेल्स और फंजाई के सेल्स उनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली क्या होती है वो होती है केमिकली सिंपलर यानी उनका जो केमिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सिंपल सी होती है अब हम बात करते हैं एक और डिफरेंस की जो कि हमें प्रोकैरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल्स के दरमियान नजर आता है तो वो डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनैलीज का ऑर्गेनैलीज क्या होती हैं जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनालीज नजर आ रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्जी बॉडीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो इस तरह की ऑर्गेनालीज आया प्रेजेंट हैं या एबसेंट हैं ये देख लेते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनैलीज एबसेंट होती हैं यानी मौजूद नहीं होती अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे बैक्टीरियल सेल नजर आ रहा है तो यहाँ पे हमें कोई भी इस तरह की ऑर्गेनैलीज नजर नहीं आ रही यानी यहाँ पे ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके इर्द गिर्द यानी जिनकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है सॉरी जो लेयर होती है वो क्या होती है वो एक मेम्ब्रेन की होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रो कैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती जबकि अगर हम यू कैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यू कैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद मौजूद होती हैं अब हम एक और डिफरेंस की बात करते हैं तो वो है सेल साइज़ का डिफरेंस तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल सेल वगैरह जबकि जो यू सेल्स होते हैं जैसे कि एनिमल सेल है इसके अलावा प्लांट्स और फंजाई वगैरह के जो सेल्स हैं तो उनका जो सेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है तो इस तरह से प्रो कैरियोटिक और यू सेल्स में काफ़ी ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स के बारे में